करता है बैंकिंग कंपनी का कंप्लीट रिवीजन, ठीक है। इन दिस 10 to 15 मिनट्स अपना पूरा बैंकिंग कंपनी कवर कर लेगा। आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार इसको सुनना, बार बार सुनोगे तो क्या होगा, सारा रेट्स रिकॉल होता रहेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग का मतलब क्या होता है, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ऐसे लोग, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है, पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है एंड देन उनको लेंडिंग करती है और इन्वेस्टिंग करती है उस पैसे को, उस ऑर्गेनाइजेशन को अपन बैंक्स बोलते हैं, ठीक है। सेक्शन 5B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आपको ये डेफिनेशन याद हो तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड, नहीं भी होगा तो चलेगा अपने अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। अब देखो बैंक्स कितना तरीके का था, वन इज शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, अनदर वन इज शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बोले तो दो कंडीशन फुलफिल करना होगा, एक जिसका पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व 5 लाख से ज्यादा होना पड़ेगा, सेकेंडली उसका एक्टिविटी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स नहीं होना पड़ेगा, क्लियर है, वो चीज ध्यान रखना है। कोऑपरेटिव बैंक मतलब छोटे छोटे स्टेट्स के जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, शेड्यूल के अंदर में बहुत सारा बैंक्स का नाम देखा था, कुछ नेशनलाइज होते हैं, कुछ फॉरेन बैंक होगा, कुछ डेवलपमेंट बैंक्स है, कुछ अपने प्राइवेट सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बोले तो HDFC ICICI ये सब प्राइवेट सेक्टर है। डेवलपमेंट बैंक का मतलब नाबार्ड जो एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए, नेशनलाइज मतलब SBI PNB बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब क्या हो गया नेशनलाइज बैंक है। फॉरेन बैंक मतलब सिटी बैंक, डस बैंक, ये सब जो बाहर में है इनकॉर्पोरेट लेकिन इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टार्टिंग वार्म अप था। देन रिजर्व फंड, बैंक्स को एक रिजर्व फंड मेंटेन करना होता है, कितना मेंटेन करना होगा, 25% ऑफ द प्रॉफिट एज पर RBI, लेकिन एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कितना बोलता है 20% ऑफ प्रॉफिट, लेकिन हम लोग हमेशा RBI को फॉलो करेगा तो कम से कम 25% ऑफ प्रॉफिट हम लोग को क्या करना है, रिजर्व फंड मेंटेन करना है। देन वी स्टडीड कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो कितना रखना पड़ेगा, 4% ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, ध्यान रखना नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, ईच एंड एवरी बैंक को कैश रिजर्व रेशियो रखना है। कहाँ रख सकता है, या तो अपने खुद के पास रखेगा या फिर करंट अकाउंट, RBI में अपना करंट अकाउंट खुलवाएगा और वहां पे हम लोग रखेगा, इज इट क्लियर। उसके बाद में हमने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट देखा था, थर्ड शेड्यूल फॉर्म ए के अंदर में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, थर्ड शेड्यूल फॉर्म बी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का अपना फॉर्मेट था। अब कैसा है फॉर्मेट, बैलेंस शीट में टोटल 12 शेड्यूल्स है, ठीक है, जिसमें 11 बैलेंस शीट के अंदर में है और एक बाहर में है। टोटल 5 शेड्यूल्स है मेरा लाइबिलिटी साइड में और 6 शेड्यूल्स है एसेट साइड में एंड एक शेड्यूल है बैलेंस शीट के बाहर। जो शेड्यूल का नंबर है उसी सीक्वेंस में अपने को लिखना पड़ेगा। फर्स्ट शेड्यूल क्या है, कैपिटल, देन नंबर 2 रिजर्व्स, नंबर 3 डिपॉजिट्स, नंबर 4 बोरोइंग्स, नंबर 5 अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, ये हो गया अपना लाइबिलिटी साइड। एंड देन उसके बाद में क्या था अपने पास में, एसेट साइड, एसेट्स के अंदर में क्या था, CBI ऑफ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में क्या था, क्रेड बिल ऑनलाइन पे, ये अपना मेमोरी टेक्निक्स था, क्रेड बिल ऑनलाइन पे, सी फॉर कैपिटल, आर फॉर रिजर्व, ई में कुछ नहीं, एकदम छी तो उसको कुछ याद नहीं रखना है, डी फॉर डिपॉजिट, ए फॉर एडवांसेस, ठीक है, क्या था, ए था ही नहीं उसके अंदर, आई भी नहीं है उसके अंदर में, क्या है, क्रेडिट बिल, बी फॉर बोरोइंग्स, ठीक है, बिल, फिर ऑनलाइन पे, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन, ये हो गया मेरा लाइबिलिटी। देन एसेट पार्ट, CBI ऑफ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, सी फॉर कैश एंड बैलेंसेज विथ RBI, बी फॉर बैलेंसेज विथ बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ठीक है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, CBI, A for advances, fraud का F मतलब fixed asset, और O for other assets, ठीक है। तो ये हो गया मेरा CBI of fraud organization, ये हो गया मेरा assets वाला part, schedule number 1 से लेके schedule number 11 तक कहानी खत्म। Then बैलेंस शीट के नीचे दो आइटम आता है, एक होता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी, एक बिल्स फॉर कलेक्शन। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का अपना शेड्यूल है, दैट इज शेड्यूल नंबर 12, ठीक है, ये हो गया कहानी। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट इसमें फॉर्म बी ऑफ द थर्ड शेड्यूल, ठीक है, फॉर्म बी थर्ड शेड्यूल में, उसमें क्या है, IO चलता है उसके अंदर में, I मतलब इंटरेस्ट इनकम, O फॉर अदर इनकम, I मींस इंटरेस्ट एक्सपेंस, O फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फिर और एक लाइन आइटम है प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज। तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा, उसमें प्लस माइनस करना है ब्रॉड फॉरवर्ड प्रॉफिट लॉस,
ठीक है, तब टोटल निकल जाएगा। उसके बाद एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, जो भी एप्रोप्रिएशन होता है वो करंट ईयर के प्रॉफिट से होगा, ये ध्यान में रखने वाला बात था अपने को। तो ये था मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। उसके बाद में हम लोग देखा था बैलेंस शीट पीएनएल करने के बाद में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है? टोटल बोलता है एज पर एक्ट मिनिमम 9% हर एक कमर्शियल शेड्यूल्ड बैंक को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना चाहिए। अब ये होता क्या है, टीयर वन कैपिटल प्लस टीयर टू कैपिटल फंड डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट प्लस ऑफ बैलेंस शीट आइटम मल्टीप्लाई बाय 100। टीयर वन कैपिटल मतलब प्योर कैपिटल, टीयर टू कैपिटल मतलब अनप्योर कैपिटल। प्योर कैपिटल में मेरा आता है ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, देन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होगा, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, देन जनरल रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स और इनोवेटिव पर्पेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट, ये भी मेरा आएगा। उसके बाद में कैपिटल रिजर्व लेकिन दोज रियलाइज्ड इन कैश, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स जो है वो रियलाइज्ड इन कैश है। ये सब ऐड करने के बाद मेरा माइनस हो जाएगा पीएनएल का डेबिट बैलेंस इनटेंजिबल एसेट्स डेफर्ड टैक्स एसेट, ये माइनस करोगे तो टीयर वन कैपिटल आ गया। टीयर टू कैपिटल अनप्योर कैपिटल यानी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ठीक है, कैपिटल रिजर्व्स नॉट रियलाइज्ड इन कैश जिसका सिर्फ 45% लेना है, रीवैल्यूएशन रिजर्व उसका भी 45% लेना है, तो मेरे को मिल जाएगा टीयर टू कैपिटल। एंड ऑलवेज रिमेंबर टीयर टू कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन टीयर वन कैपिटल, क्लियर ये चीज। देन उसके बाद में था मेरा रिस्क वेटेड एसेट। रिस्क वेटेड एसेट में क्या फर्क था, 0%, 20%, 22.5, 50, 100, 150। जीरो में क्या था, खुद का कैश या फिर कैश बैलेंस में आरबीआई या फिर हमने पीएसयूज यानी कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है या फिर कोई ऐसा लोन्स एंड एडवांसेस जिसमें गवर्नमेंट ने गारंटी ले रखा है या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने गारंटी लिया हुआ है, क्लियर है ये सारा मेरा क्या, या फिर हमने ऐसा लोन दिया है जो जिसके लिए डिपॉजिट्स ले रखा है यानी सिक्योर्ड है, हमने मॉर्गेज में कुछ ना कुछ ले रखा है, तो उन सबका रिस्क क्या है, 0%। देन इफ हमने हमारा पैसा किसी और बैंक में रखा है या फिर मुझे किसी बैंक से कोई क्लेम्स लेना है देन उसका रिस्क है 20%। देन हमने कोई अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन उसका कोई गारंटेड नहीं है देन रिस्क है 22.5%। 50% में क्या था, कोई भी ऐसा लोन्स एंड एडवांसेस जो गारंटेड बाय ये डीआईसीजीसी, ईसीजीसी, सीजीटीएसआई, इन लोगों ने यदि गारंटी ले रखा है तो 50% का अपने को क्या है, रिस्क है। देन कम्स 100, तो चलो सारा अदर 100 है लेकिन 150 ध्यान में रखो, दो था उसके अंदर, एक तो क्या था वेंचर कैपिटल फंड एंड दूसरा रियल स्टेट, ठीक है, कमर्शियल रियल इस्टेट नॉन फंडेड होगा लेकिन वो, ठीक है, यस नॉन फंडेड एक्सपोजर पोर्शन का बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो फंडेड है उसमें तो टेंशन ही नहीं है, नॉन फंडेड एक्सपोजर का 1.5 टाइम्स लेना यानी 150%। ये था मेरा रिस्क वेटेड एसेट और ऑफ बैलेंस शीट आइटम सारे के सारे क्या होगा, 100% होगा। तो ऐसे करके अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आ जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था ये फुल फॉर्म पढ़ा था ईसीजीसी, डीआईसीजीसी, सीजीटीएसआई, ये आप लोग रीड कर लेना, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बोलता है ईसीजीसी। डीआईसीजीसी क्या होगा, डिपॉजिट एंड इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। सीजीटीएसआई क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये हो गया, तो अपना ये निकल जाएगा। देन स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में पढ़ा था, क्या बोलता है, हर एक कमर्शियल शेड्यूल बैंक को कम से कम कितना, 19.25% ऑफ क्रेडिट डिपॉजिट्स, यानी जितना डिपॉजिट्स बैंक के पास आया उसका 19.25% उन लोगों को क्या करना है, एसएलआर मेंटेन करना है। एसएलआर कैसे मेंटेन हो सकता है, खुद के पास कैश रख लो या फिर आरबीआई के पास रख लो, लेकिन आरबीआई के करंट अकाउंट में नहीं, नॉन करंट अकाउंट में, क्योंकि करंट अकाउंट में हम लोग क्या रखते हैं, कैश रिजर्व रेशियो होता है मेरा, ठीक है, सीआरआर होता है, तो ये वाला पैसा नॉन करेंट अकाउंट में होगा या फिर कोई दूसरे बैंक में आप वो इतना पैसा रख के रखो, या फिर अनएनक्यूम्बर्ड सिक्योरिटीज मतलब ऐसा सिक्योरिटीज जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, या फिर गोल्ड या सिल्वर उसमें पैसा डाल के रख लो। तो ये था आपका एसएलआर। उसके बाद हमने पढ़ा था रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट AS9 क्या बोलता है,
की रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना चाहिए, जब कोई अनसर्टेनिटी नहीं हो रिगार्डिंग इट्स मेजरेबिलिटी एंड कलेक्टिबिलिटी। बेसिकली तीन जगह से रेवेन्यू आता है, एक टर्म लोन, बैंक जो टर्म लोन देती है डिपॉजिट्स लेके, दूसरा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला बिल्स परचेज करके डिस्काउंट करवा देती है, थर्ड है सीसी लिमिट कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, यहां से रेवेन्यू आता है। तो बोलता है रेवेन्यू के केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि वो आपका परफॉर्मिंग एसेट है या नॉन परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग का मतलब था जो टाइम टू टाइम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का रीपेमेंट कर रहे हैं, और नॉन परफॉर्मिंग का मतलब था इफ कोई भी लोन जो ड्यू डेट से 90 डेज एक्सपायर हो चुका है देन इट बिकम्स अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फॉर परफॉर्मिंग एसेट्स यू हैव टू फॉलो अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, रिसीव हो चाहे नहीं हो फर्क नहीं पड़ेगा। बट वेयर एज फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अपने को क्या लेना है, कैश बेसिस यानी रिसिप्ट बेसिस पे ही हम लोग उसको अपने बुक्स में इनकम मानेगा, अक्रूड बेसिस में नहीं मानेगा। क्लियर है? एनपीए कब होता है? एनपीए तब होता है जब आपका 90 डेज से ज्यादा हो जाए, ड्यू डेट से लेके 90 डेज हो चुका है, तब वो आपका एनपीए स्टैंडर्ड कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद ड्यू डेट से लेके बियॉन्ड 90 डेज 12 महीने तक हम पहुंच चुके हैं, तब वो किस कैटेगरी में चला जाएगा मेरा, सब स्टैंडर्ड, यानी ड्यू डेट से लेके 12 महीना हो चुका है then it will be classified as substandard. Then if 12 महीना छोड़ो, 12 महीना भी खत्म, उसके बाद एक साल और चला गया, then हम लोग उसको क्या बोलता है, doubtful category में डाल देगा। doubtful category में तीन है, 0 to 1 year, 1 to 3 years, more than 3 years, यानी 12 months, substandard का 12 months expire हो चुका है, उस बात से एक साल खत्म हो गया, then 0 to 1 category में, more than 1 हो चुका है, but less than 3 है, तो 1 to 3 years and more than 3 years, ये मेरे doubtful है। More than 3 years में तब तक हम doubtful category में रखेंगे जब तक auditor का recommendation नहीं आ जाता कि auditor ये नहीं बोल देता कि आप लोग इसको book से delete कर दो, ठीक है, तब तक हम लोग इसको NPA doubtful करके ही दिखाएगा for more than 3 years का category में। एक बार auditor recommendation आ गया तो उसको हम लोग loss asset treat करेगा। Is it clear? फिर agricultural case में देखा था कि agricultural advances में NPA कब होगा, if it is for short duration crop है या फिर long duration crop है, देखना पड़ेगा। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो आपको क्या करना है, 2 crop season तक वेट करना है, उसके बाद एनपीए डिक्लेयर कर देना। वेयर एज इन केस ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप आपको क्या करना है, 1 crop season तक वेट करना है, अदरवाइज हम लोग उसको बाद में क्या करेगा, एनपीए डिक्लेयर कर देगा। फिर एक कंसेप्ट था कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के केस में, सॉरी, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट के केस में, कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट के केस में भी कहानी सेम है। बोलता है ड्यू डेट से 90 डेज आउट ऑफ ऑर्डर चल रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, वो एनपीए कहलाएगा। लेकिन उसके अंदर में, इफ उसके अंदर में क्या था, 2 condition था, आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है मतलब आपने जो विथड्रॉ किया है बैंक से इट इज मोर देन द सैंक्शन लिमिट या फिर विथड्रॉइंग पावर है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो चेक करना पड़ेगा कितना है, वो सारा का सारा पैसा हम लोग 90 डेज तक एनपीए मान लेगा, इफ 90 डेज तक रिकवर नहीं होता है तो। और दूसरा कंडीशन क्या था कि हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस मोर देन सैंक्शन लिमिट नहीं है बट जो इंटरेस्ट पे करने के लिए अमाउंट चाहिए बैंक में क्रेडिट ही नहीं हुआ 1 रुपए भी, तब भी हम लोग उसको एनपीए ट्रीट करेगा। या फिर क्रेडिट हुआ है बट इट इज नॉट दैट मच सफिशिएंट कि हम लोग पूरा का पूरा क्या होता है इंटरेस्ट रिकवर कर सकते हैं, बैंक हमारा इंटरेस्ट रिकवर कर सकती है, तो उस कंडीशन में बैंक 90 डेज तक वेट करेगा, जितना रिकवर नहीं होगा पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस को एनपीए डिक्लेयर किया जाएगा। क्लियर है ये वाला चीज? देन उसके बाद प्रोविजनिंग देखा था, प्रोविजनिंग में क्या था, एनपीए के लिए स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस। स्टैंडर्ड के लिए उसके अंदर 0.25, 0.75, 1, 2, 0.4%, 0.25 के अंदर आता है एग्रीकल्चर एंड माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, मीडियम इंटरप्राइज वहां नहीं आएगा। 0.75 में एक बार एग्रीकल्चर या छोटा बिजनेस हो गया तो घर बनाना है तो कमर्शियल रियल इस्टेट वालों को दिया है, जो लोग क्या करेंगे रेसिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके केस में कितना प्रोविजन बनाना है, 0.75। यदि हमने नॉर्मली कमर्शियल रियल इस्टेट डेवलपमेंट के लिए किसी को एडवांसेस दिया है देन 1% प्रोविजन बनाओगे। फिर यदि आपने अपने स्टैंडर्ड एसेट्स को रीस्ट्रक्चर किया, स्टैंडर्ड लोन्स एंड एडवांसेस को रीस्ट्रक्चरिंग किया तो 2%, और अदर देन कुछ भी है तब उसका 0.4%। ध्यान रखना स्टैंडर्ड के केस में कोई भी सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड पोर्शन नहीं है, अपने को जो वैल्यू है उतना ही लेना है, उसमें ना ही मार्केट वैल्यू भी कंसिडर नहीं करते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। देन सब स्टैंडर्ड के अंदर में 3 है, 15, 20 और 25। 15% में सिक्योर्ड हो गया,
20% के अंदर अनसिक्योर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लोन अकाउंट हैविंग एस्क्रो अकाउंट एज सिक्योरिटी, ठीक है, हैविंग एस्क्रो अकाउंट एज सिक्योरिटी, वो मेरा क्या होगा 20%, एंड देन कोई भी अनसिक्योर्ड सब स्टैंडर्ड एसेट है तो उस पर मेरे को 25% प्रोविजन बनाना है, क्लियर है. देन कम्स डाउटफुल, डाउटफुल एक है सिक्योर्ड एक है अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड है तो 100%, डाउटफुल सिक्योर्ड है तो चेक करो 0 to 1 year है, 1 to 3 years है या फिर मोर देन 3 years. 0 to 1 year हुआ तो कितना होगा 25%, जितना लास्ट कैटेगरी में छोड़ा था वहीं से कैरी फॉरवर्ड करेंगे 25%, देन 40% एंड देन 100%. लॉस एसेट है तो पूरा का पूरा 100 एसेट लेना, ये था मेरा प्रोविजनिंग. लेकिन यदि क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग टू एडवांसेस कि उसको सिक्योर्ड माने या अनसिक्योर्ड माने, देन वी विल ऑलवेज टेक इट एज अ सिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस. ये था प्रोविजनिंग, क्लियर है यहां तक. देन हम लोगों ने देखा था कि इफ कोई भी प्रोविजनिंग प्रोविजन बनाने के टाइम इफ कोई भी लोन्स एंड एडवांसेस का गारंटी ले रखा है ईसी जीसी डीआई सीजीसी और सीजीटीएसआई बॉडी ने, तो उतने के ऊपर हम लोग क्या करेगा, कोई भी प्रोविजन नहीं बनाता है. तो हम लोग को जब प्रोविजन में जितना लोन्स है उसके अंदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पोर्शन निकालना होता है, ठीक है, सिक्योर्ड पोर्शन के लिए मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी लेना है, एंड फॉर अनसिक्योर्ड पोर्शन जितना गारंटी है उसको छोड़ देंगे, बाकी बचे हुए के ऊपर हम लोग 100% प्रोविजनिंग करेंगे, क्लियर है. एंड सिक्योर्ड पोर्शन तो डिपेंड करता है वो 0 to 1 year में है, 1 to 3 years है या फिर मोर देन 3 years है. यहां तक क्लियर था, ठीक है. कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले प्रोविजन ऑन एडवांसेस एज यूजुअल उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो जितना गारंटी ले रखा है, उसमें तो प्रोविजन बनाने का जरूरत ही नहीं था. क्यों, बिकॉज जब एक बॉडी बोल रही है कि मैं आपको पैसा दे दूंगी तो मुझे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यानी उसके ऊपर प्रोविजन नहीं बनाना पड़ेगा, ये था. फिर कभी कभी क्या करती है, बैंक्स अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्टमेंट जब करती है तो हमें उसका अकाउंटिंग करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा. वो इन्वेस्टमेंट 3 categories का हो सकता है, वेदर इट इज होल्ड टू मैच्योरिटी है या फिर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है या फिर अवेलेबल फॉर सेल है. इफ इट इज होल्ड टू मैच्योरिटी देन ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैच्योरिटी डेट तक पैसा रहेगा इन्वेस्ट, यानी ये लॉन्ग टर्म है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 क्या बोलता है, इट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, वैल्यूड एट कॉस्ट, वेयर इज शॉर्ट टर्म कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर. और एक्ट क्या बोलता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% ही आप लॉन्ग टर्म हो सकता है, दैट इज हेल्ड टू मैच्योरिटी हो सकता है, बाकी 75% कहाँ रहेगा, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग एंड अवेलेबल फॉर सेल. ये चीज क्लियर था. इफ कोई भी परमानेंट डिक्लाइन आया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के केस में, तब हम लोग उस परमानेंट डिक्लाइन को कंसिडर करेगा और उस डिक्लाइन में जितना भी लॉस हुआ उसको पीएनएल अकाउंट में शो करेगा, लेकिन टेम्पररी डिक्लाइन को कंसिडर नहीं करेंगे. वेयर इज इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपको क्या करना है, कोई भी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर उससे यदि आपको लॉस होता है तो इमीडिएटली हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज करेगा. कहां दिखाएगा, शेड्यूल 14 यानी अदर इनकम वाले शेड्यूल में माइनस के फिगर में शो करेगा उसको, क्लियर है ये चीज. देन अपना चला था रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, ठीक है. रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड क्या था, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का मतलब एडवांस इनकम. हम लोग को चेक करना है कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कितना डिस्काउंट हमने करंट ईयर में ही कंसीडर कर लिया है, तो जितना करंट ईयर में कंसीडर किया है उसको नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड करेगा. इट इज जस्ट लाइक एन एडवांस इनकम, जस्ट बैंक नाम क्या यूज करती है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड. तो जितना भी नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है उतना अपन क्या करेगा, डिस्काउंट इनकम कम कर देगा. तो इनकम को कम करना है तो डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और लाइबिलिटी बुक करना है तो टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड. सबसे पहले तो क्या होगा, करंट ईयर में चेक करना टोटल कितना बिल हमने परचेज किया है कस्टमर से, यानी कस्टमर लोगों ने कितना बिल डिस्काउंट करवाया. तो बिल खरीदेंगे तो क्या होगा, बिल परचेज अकाउंट डेबिट, उसमें से जितना कस्टमर को पे कर दिया उतना तो कस्टमर क्रेडिट हो जाएगा और बाकी हमारे लिए इनकम है डिस्काउंट इनकम. अब उस डिस्काउंट इनकम में जो रिलेटेड टू फ्यूचर है उसके लिए मुझे एक एंट्री पास करना पड़ता है. क्या पास करेंगे, डिस्काउंट इनकम को डेबिट कर दोगे एंड रिबेट को क्रेडिट कर दोगे, इससे मेरा देखो डिस्काउंट इनकम कम हो गया, ठीक है. इफ प्रीवियस ईयर भी आपने ऐसा कुछ किया होगा तो करंट ईयर उसको इनकम मानना है, राइट. तो यानी नेक्स्ट ईयर यही एंट्री क्या हो जाता है, इनकम में कंसिडर हो जाएगा और बाकी जो भी डिस्काउंट इनकम है जो मेरा करंट ईयर का वो पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा. ये था कंसेप्ट, क्लियर है. इसमें फिर से एक बार देख लेना कि कैसे कैलकुलेट करना है. इस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना होता है, पहले देख लो
कि टोटल टोटल कितना कंसिडर हुआ मिला हम लोग को ड्यूरिंग द ईयर, उसमें से प्रीवियस ईयर ऑलरेडी मिल चुका था उसको ऐड करो और जो रिलेटेड टू फ्यूचर है उसको माइनस कर देना, तो पता चल जाएगा टोटल डिस्काउंट इनकम में कितना, मतलब पीएनएल में कितना क्रेडिट होना है। ये था रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। देन था बिल फॉर कलेक्शन। बिल फॉर कलेक्शन बैंक्स के लिए ना तो एसेट है ना लाइबिलिटी है, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा सर्विस है, मीडिएटर का तरह बैंक काम करता है। इट कैन बी एन एसेट, इट कैन बी ए लाइबिलिटी। यदि मुझे कस्टमर के बिहाफ में कलेक्ट करना है तो एसेट है, और कस्टमर के बिहाफ में पे करना है तो लाइबिलिटी है, ठीक है। जैसा एसेट अकाउंट में करोगे वैसा ही उसका रिवर्स लाइबिलिटी अकाउंट में करना है, ठीक है। मुझे कस्टमर से कलेक्ट करना है तो मेरा ओपनिंग बैलेंस एसेट है तो डेबिट साइड में आएगा। ड्यूरिंग द ईयर हमने कस्टमर्स का और रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया तो एसेट्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसमें से जितना कलेक्ट हो गया वो कम और जितना डिसऑनर हो गया वो भी कम, बाकी बचा हुआ क्या है अभी भी हमें कलेक्ट करना है ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। और ये बिल फॉर कलेक्शन कहाँ शो करते हैं अपन, बैलेंस शीट के नीचे, शेड्यूल नंबर 12 के नीचे और एक लाइन आइटम था बिल फॉर कलेक्शन, वहां पे ये फिगर आएगा। एंड इफ लाइबिलिटी है तो जैसा एसेट में किया उसका उल्टा रिवर्स होता जाएगा। देन लास्ट पार्ट जो हमने पढ़ा था दैट इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करना है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी जैसा अकाउंट बनेगा, इफ लाइबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में, ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ और कंटिंजेंट लाइबिलिटी एक्सेप्ट किया है, गारंटी दिया है किसी का तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। उसमें से जितना गारंटी एक्सपायर हो चुका है वो कम हो गया, जितना गारंटी ऑनर हो गया है, मतलब या तो ऑनर्ड का मतलब है हम पे करेंगे इफ हमारे ऊपर आ गया तो बैंक के ऊपर, या फिर क्लाइंट खुद पे करेगा, क्लाइंट ने पे किया तो क्लाइंट पे कर रहा है, बैंक पे करेगा तो बैंक पे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा लाइबिलिटीज डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज होगा तो वी विल शो इट ऑन द डेबिट साइड एंड दिस बैलेंस विल बी शोन इन अवर शेड्यूल 12। यानी ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। इतना ही था अपना बैंकिंग कंपनी, ठीक है। आप लोग जितना बार भी रिवाइज करना आराम से इसको दो बार तीन बार सुन लेना तो सारे रेट्स रिकॉल हो जाएंगे, और इतने ही कंसेप्ट है आपके बैंकिंग कंपनी में। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है स्टडी मेट में सारे कर लो, जो अपना कंपाइलर है वो भी सारा का सारा अपने को सॉल्व करना है, क्लियर है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।